हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए जो मुझे इतना प्यार दे रही है, मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रही है। और बीच में मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी यूट्यूब की तरफ से, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने दोनों चैनल को रिट्रीव किया है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरा चैनल मतलब उन्होंने बिल्कुल हटा ही दिया था। मैं मतलब उसको मैं ऑपरेट ही नहीं कर पा रही थी। सो फाइनली मेरा चैनल बैक है। मैंने कुछ अपलोड्स किए हुए हैं शॉर्ट्स में भी, और आज भी मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग जा रहे हैं महमूदाबाद का किला देखने, राजा महमूदाबाद का किला। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आप लोगों के लिए भी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस जगह को लेकर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो वी आर ऑन द वे। रास्ते में हमें काफ़ी लंबा एक ब्रिज मिला जो काफ़ी लंबा था। आप इसके एयर को फील कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे ऑलरेडी, निकलने में हमें देर हो गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने रोका नहीं। और ये देखिए आप, पीछे से भी मैंने कोशिश की थी इसको कैप्चर करने की ताकि आप देख सकते क्लियरली कि ये कितना लंबा है। और जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला इट्स अप्रॉक्स 3 किलोमीटर लॉन्ग। वाह, बहुत ही लंबा ब्रिज है। और आई थिंक ये मुझे हस्बैंड ने बताया कि ये घाघरा नदी पे ये ब्रिज है 3 किलोमीटर लॉन्ग, जिसको चहलारी घाट के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बट मैंने थोड़ा सा ही शूट किया, बहुत ज़्यादा देर नहीं शूट किया, बिकॉज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे इसके, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा जब आगे चले, हमारा जब ये फाइनली ये ख़त्म होने वाला था ब्रिज, ये देख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। साइड में आप ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। और फिर हमें ये सरसों का खेत मिला, येलो येलो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऑलमोस्ट मुझे रास्ते में काफ़ी जगह पे सरसों का खेत मिला, बहुत ही ज़्यादा मिला, तो इससे ये लग रहा था कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सरसों के खेत हैं, इस तरफ खेत हैं और इस टाइम पे इसकी खेती भी हो रही है। देखिए येलो येलो बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं कंटिन्यू उसको कैप्चर किए जा रही थी। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा पास से जब मुझे दिखा तो मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। यहाँ से अभी भी 35 किलोमीटर बता रहे हैं कि अभी भी हम लोग को 35 किलोमीटर तक जाना है। सो थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी है हमारी। और इधर भी आप देख रहे हैं खेत है, बहुत ही प्यारा, सीनरी तो बहुत ही अच्छा था, मतलब मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। और जब हम लोग थोड़ा सा जब आगे और गए तो यहाँ पे मुझे एक वो दिखा जहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ से लखनऊ 57 किलोमीटर है और सिदौली 28 किलोमीटर। ये यहाँ का लोकल मार्केट था। हम लोग अप्रॉक्स पहुँच ही गए हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे जिसकी वजह से हमें किला पहुंचने में थोड़ा सा लेट हुआ। और एक हमें मिल गए थे जिन्होंने हमें गाइड कर दिया, बहुत ही अच्छे भैया थे जिन्होंने हमें पूरा हेल्प किया कि किस रूट से हम जाएं, बिकॉज पहली बार हम लोग गए थे और पूछते गए। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं महमूदाबाद की रियासत में, जो राजा महमूदाबाद किला के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सीतापुर के महमूदाबाद जो जगह है वहाँ पे है। और अभी हम लोग अंदर से इसको एक्सप्लोर करेंगे। माशाल्लाह, आप भी आइए और हमारे साथ में इसको एक्सप्लोर करिए। देखिए माशाल्लाह से देख सकते हैं कि ये बाहर से हम देख रहे हैं, अभी ये बाहर का एरिया है और अभी हम अंदर चलेंगे। सो आइए चलते हैं अंदर, क्योंकि हमें पता चला था कि शायद अंदर जाना अलाउ नहीं है, मे बी बाहर बाहर से ही हमको देखने को मिले। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है अंदर। पहले हम लोग एंट्री करते हैं और फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं। आइए, ये आपका मेन गेट है, देखिए कितना खूबसूरत है। बड़ा गेट है ये छोटा सा गेट है इधर।
और ये इधर का भी खुला है तो हम लोग इधर से एंट्री कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सच में इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है जब हम अपने इतिहास को इस तरीके से अपने आँखों से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सच में इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। जब ये आज के टाइम पे इतना खूबसूरत है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब काफ़ी थोड़ा टाइम पहले कितना खूबसूरत रहेगा। और ये काफ़ी बड़े जगह पे है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है जो इन्होंने मतलब ये महल जहाँ पे है। माशाल्लाह आप देखिए इसकी खूबसूरती। यहाँ पे एक छोटा सा तोप भी रखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, बाद में मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे तोप है, तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी। आप बस इसकी खूबसूरती को देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा देखकर। मैंने कोशिश की है इसको पूरी तरीके से कैप्चर करने की ताकि आप लोग इसका व्यू बहुत ही अच्छे से देख पाए। ये देखिए कितना बड़ा जगह है और कितना ही खूबसूरत एरिया में, कितना खूबसूरत बिल्डिंग है एक्चुअली। मतलब इसकी नक्काशी और इसका मतलब मेरे पास एक्चुअली में वर्ड्स नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लिटरली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देखिए। और इसी वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से ये मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मूवीज़ की प्रॉपर और हमेशा शूटिंग होती रहती है। काफ़ी सारे मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है, मुझे पता चला है। थे उमराव जान की, फिर माधुरी दीक्षित की देड़ इसकिया थी उसकी भी, फिर भूल भुलैया जो 2 था अक्षय कुमार का उसकी भी। तो इसलिए ये एक तरीके से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर गेन करता है। और यहाँ पे हम लोग फिर बातचीत कर रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। मीन्स हम अंदर से एक्चुअली एक्सप्लोर करना चाहते थे, देखना चाहते थे जो अंदर के कमरे होते हैं और किस तरीके से उस टाइम पे हमारे राजा जी रहते थे और बाकी चीज़ें। हम कोशिश कर रहे थे कि जब यहाँ तक आए हैं तो हम देख सकें इस चीज़ को। तो यहाँ पे एक देखिए ऊपर जाने का रास्ता था, बस बंद था। और ये देखिए गैलरी कितनी खूबसूरत लग रही है। और तब तक मेरे हस्बैंड वहाँ से बात कर रहे थे और वो काफ़ी अच्छे जेन्युइन पर्सन थे। उन्होंने बाद में हमें काफ़ी हेल्प किया कि देखिए चलिए आप, चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं आपको हम अंदर से दिखाने की। और तब तक मैं व्यूज़ कैप्चर कर रही थी। माशाल्लाह सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ़ोटोशूट लिया लोकेशन। फिर थोड़ी देर बातचीत के बाद में पता चला कि वो हमारे ही लोकेशन से थे, तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। आगे उन्होंने कहा कि ठीक है आप आगे चलिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको हम अंदर से व्यूज़ दिखा दे। वैसे तो परमिशन नहीं है, शायद इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। लकीली देखते हैं क्या होता है अभी आगे। इस तरीके से स्पेस है, आई डोंट नो क्या है, बट बिल्कुल पुराने ज़माने की फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बिल्कुल राजा महाराजाओं के टाइम पर आ गए हैं। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है। ये ऊपर क्या, अच्छा माशाल्लाह, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोगों को अल्लाह ने पूरा कर दिया कि हमें अंदर से देखने का मौका मिल रहा है इसको। ये ऊपर जा रहे हम लोग रास्ता, ये देखिए यहाँ से कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कांट इमेजिन। अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे और फिर अंदर से भी देखेंगे कैसा है, राइट। तब तक कुछ फोटो सेशंस कर लिए जाए। ₹350 ईयर्स ओल्ड, इतना प्यारा लोकेशन था। फिर हमने वहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक किए और फिर हम अंदर गए। आप देख सकते हैं
और ये अब हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये देखिए वाकई में कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ऐसे बना बहुत ही खूबसूरत है, आप जब खुद कभी मौका मिले तो आके देखिएगा, लिटरली सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ये इनका इंतकाल पहले हो गया था, इनसे अभी बात नहीं इनका पहले हुआ था जी। उसके बाद इनका हुआ, उसके बाद अभी इनके बेटे का हुआ। जब हम अंदर गए तो थोड़ा लाइट नहीं था, बट आप फिर भी देख सकते कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने काफ़ी जगह पे शूट ही करना मैं भूल गई। सो प्लीज़ जितना मैं शूट कर पाई हूँ उतना मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने के लिए। और ये पुराने ज़माने की फोटो लगी हुई है ना, जॉर्ज और हमें पता चला कि ये जो दीवार है ये आई थिंक जिंक से बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये जिंक का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए क्रैक है जी, ये 150 साल 200 साल पुरानी लकड़ी आज भी चल रही है। फ्लोटिंग वाली ना, साल पहले की बात है। ये तहसील में रखी होती थी, वहाँ इनके जो सीनियर अफसर होते थे वो बैठते थे। आज ऐसा बनवाने जाए तो 50,000 रुपये खर्चे हो गए और ज़्यादा, फिर भी बनना पड़ा। नहीं, ये 2-3 साल के बाद अक्षय कुमार वाली ना। हाँ तो उसमें सब ऐसे ही घर दिखाते हैं तो लगा था कि कहाँ कहाँ। बाद में VFX में चेंज हो जाता है, कलर वलर सब चेंज कर देते हैं। ये है मोहरा शेर की मोहर लोगो। अच्छा माशाल्लाह, इसमें भी देखे लायन है शेर। कलरफुल शीशे उसी टाइम के होते थे, बहुत महंगे होते थे जमाने से। ये बनाना ही बहुत मुश्किल होगा आज के टाइम हुआ है। महाराजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान राजा साहब के परदादा। अच्छा। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर थे और फर्स्ट वाइस चांसलर थे ये। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट VC थे वहाँ के। आजकल कोई नहीं, बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल रियासत थी। यार गलती थी जी, देखो पुराने जमाने का आज और यही बैठ के इतना पीठ देख ले। हाँ ये सही में बैठ सकते हैं, शूटिंग के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है बताइए ना। नहीं, अरे इतनी बड़ी है, बहुत वजनी है, कितना है पत्थर है, ये पत्थर है बनाते हैं ये तो, वो संगमरमर की तरह लग रहा है बिल्कुल, है ना, संगमरमर की तरह लग रहा है बिल्कुल। और ये आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई थी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही अच्छा है। और यहाँ ऊपर लाइब्रेरी भी थी बट हमें जाने का परमिशन नहीं था, इसलिए हम लोग लाइब्रेरी नहीं जा पाए।
नेक्स्ट टाइम मे भी कोशिश करके लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि कुछ एंटिक चीज़ें हम लोग को और देखने को मिले। और ये एक एंटिक चीज़ हमें वहाँ देखने को मिली और हमें पता चला कि इसमें टी सर्व किया जाता था, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ बाहर की तरफ निकले और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वो जो तस्वीर मैंने वहाँ दिखाई थी, दो भाई बैठे हैं, काली शेरवानी पहने, मैंने अपने हाथ से बनाई थी। अच्छा, ये जो वाइट वाली है, जो मस्जिद है ये सफेद वाली, ये वाली वाइट वाली, ये सफेद वाली, नहीं लगे। कहते हैं राजा महमूदाबाद जी का एक अपना अलग ही इतिहास है, अगर आप उसके बारे में अलग से डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से व्लॉग एक अपलोड कर दूंगी जो जिसमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। बट अभी मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप इस व्यू को इन्जॉय करिए और यहाँ देखिए जो हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। आप फील कर सकते हैं अंदर हम लोग गए थे वहाँ पे, बहुत सारी जगह का तो मैं शूट ही नहीं कर पाई बट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये अभी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं और ये मुझे पता चला ये कुआं है जहाँ पे पानी का यूज़ होता था उस टाइम पे। बाकी अभी हम लोग नीचे भी जाएंगे तो नीचे भी काफ़ी चीज़ें हैं अभी बची हुई जो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और अब हम नीचे आ गए हैं और ये देखिए पहले के टाइम पे खजाना रखने के लिए एक स्पेस है। लोग देखिए जो जिन्होंने मतलब ऐतिहासिक तिजोरियां बनाई इनका नाम है, ये मैंने डिस्कवरी पे देखा था। और ये एक घंटा भी है जो शायद टाइम के लिए यूज होता था उस टाइम पे। अच्छा इधर भी है, खोलने की कोशिश की। नहीं ये फूलने की जी ये सब शाम हो गए हैं, बहुत पुराने हैं ना, तो इसमें सजाने रखे जाते थे। ये डबल लॉक सिंगल लॉक प्रोजेक्ट, अब इसमें कौन सा डबल लॉक होता है कौन सा सिंगल लॉक जी, लेकिन ये एक डबल लॉक है एक सिंगल लॉक। इसके बाद में हमें अंकल जी ने अपने स्पेशल गेस्ट रूम में बिठाया जो बाहर से जो लोग स्पेशली आते हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रीट किया उन्होंने हमें, पानी वानी पिलाया, चाय वाय पिलाया। सो आप इस रूम को भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज हमें दी। इसी बहाने हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया बिकॉज़ काफ़ी थक गए थे हम लोग चलते चलते। सो हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप किया, फिर उसके बाद हमने इस रूम को एक्सप्लोर किया। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया था ये रूम स्पेशली जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनके लिए। सो वी आर लकी टू बी देयर। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हमने उस रूम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स लगे थे उसके बारे में, हम लोगों ने नॉलेज गेन किया। तो वो सही बात है, उन्हीं का ड्रेस है ही वो, बड़े बेटे है राजस्थान एम्बेसडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस ऑफ इंडिया, फ्रांस के एम्बेसडर थे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ड्यूरिंग स्टे एट किला महमूदाबाद। फादर के साथ बैठे हुए मुहर्रम का जी ये देखिए बैठे थे तलवार लिए हैं ये रहा था जी, ये माशाल्लाह ये राजा साहब ये ऊपर ही छत के ऊपर जी 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 ये एक्चुअली पूरा है ना ना पड़ा हुआ है नहीं ये तो शायद नेट पे पड़ा हुआ है। ईरान के प्रेसिडेंट नाम देखो याद नहीं आ रहा क्या आज अखिलेश के साथ में लखनऊ में ना जनाब डिप्टी हाई कमिश्नर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ऑफ इंडिया के जनाब प्रोफेसर अली खान जी, तो मैं इनके साथ ही मेरा कल के साथ में इनके साथ बहुत दिन भर रहा।
हम लोग इधर नहीं गए ना पीछे की तरफ। अरे नहीं बता, चलिए वैसे एरिया हम दिखा दे आप लोगों को। बैक का है, बहुत ही बड़ा एरिया है ना, ये आपका बैक का है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाय द वे हम लोगों का। और वैसे भी जब हम कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस विज़िट करते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नॉलेज हमें मिलती है अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में। और इट्स रियली गुड टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर। हाँ, तो ये था फाइनली महमूदाबाद का किला। ये तो आम का बाग लग रहा है ना, ये पूरा आम का बाग। अरे महमूदाबाद के आम बहुत फेमस है, बगिया इनकी जो है वो घूम लो जैसे आम इस महमूदाबाद बगिया में। आज के मुंह से महमूदाबाद की मुख्तलिफ पेड़ मंगा के फेमस है महमूदाबाद का आम। बहुत महमूदाबाद का जो आम है जो बगिया है, यहाँ पे समझ लीजिए पूरी दुनिया के पेड़ है आम के। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को थोड़ी दूर पे एक मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी थी, तो हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँचे और सबसे हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, अपना डिनर वगैरह फिनिश किया और उसके बाद हम लोग वहाँ से रेडी हो गए वापस आने के लिए। ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो चुका था, नाइट हो गई थी आप देख सकते हैं। और मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ही पिया, और क्योंकि मेरे गले में उस टाइम पे काफ़ी दर्द भी था तो वो ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। उसके बाद हम लोग फिर वापस आने के लिए रेडी हो गए, बहुत ज़्यादा देर नहीं किया। हमारे मतलब रिलेशन में ही शादी थी। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। असला नुजा कहने लगा बहू का भाई आ गई और हम लोग वापस जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम तो, इतना ज़्यादा थक गए कि हम क्या बताएं। जल्दी करते करते देर आखिर हो ही जा रही है। कहाँ रह गए तुम, कहीं उधर से आ जाओ। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने कुछ और भी जगह को एक्सप्लोर किया है बट मेरे चैनल की प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं एज सून एज़ पॉसिबल उसको कोशिश करूँगी अपलोड करने के लिए। तब तक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे सेफ, take care and thank you for watching.